तो दोस्तों आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, एकदम साथ है कि नहीं आप लोग? आज क्या हुआ, आज आप लोग को पता है ना, लाठी चार्ज हुआ है। क्या क्या हुआ है? और कुछ बच्चों को तो मारा गया है, आप पूरी तरह से मारा गया है। और ये कहां तक सही है? एकदम सही नहीं, इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे इससे अच्छा तो गोली मार दो, वो मर जाएंगे लेकिन लाठियां नहीं खाएंगे। लाला लाजपत राय को भी लाठियां मारी गई थी, याद है ना जी? उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार अब खत्म होने वाली है, उसका एक एक लाठियां जो है वो कील, ताबूत का कील साबित होगी। तो दोस्त सरकार जो क्या है, डिक्टेटरशिप कर रही है, ये तानाशाही सरकार कर रही है। अब हम लोग झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग रोड पर आ चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ है, हम लोग जा रहे थे फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए, तो एकदम जब जा रहे थे तो हम लोग को रास्ता रोका गया है। हम लोग क्या पत्थरबाजी किए? पत्थरबाजी भी तो नहीं किए हैं हम लोग। जब पत्थरबाजी नहीं किए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने जा रहे थे, तो उसमें क्या दिक्कत था आपको, आप जो लाठी बरसाने लगे? दोस्तों आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि लाठी चार्ज करने के साथ साथ क्या हुआ है ना, कि एक बच्चा को एक पुलिस वाला को, पुलिस वाला ने गला दबाया है और बच्चा बार बार कह रहा है कि देखिए ये पुलिस वाले हमको गलत दबाए हैं, ये पुलिस वाला हमको, तो पुलिस वाला बोला भी है उस बच्चा को कि तुमको जान मार देंगे तुम भागो। ये कहां तक से है? हमारा संविधान का, हमारा संविधान का ये हक देता है हमें आवाज उठाने का, हमें सरकार से मांग रखने का। हम लोग मांग ही तो रख रहे थे, आपको ये मारने का, जान से मारने का आपके पास अधिकार कहां से आया है? ये गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है। इसके प्रति क्या होना चाहिए, आवाज उठना चाहिए ना। तो आप लोग सब साथ हैं एकदम। अभी हम छात्रों के भी बात रखेंगे दोस्तों आप लोग के सामने, कि छात्रों की क्या क्या मांग है। लेकिन हम आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखा दे आपको, कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वो पुलिस वाला मुस्कुरा रहा है, ये तानाशाही, वो उसको गला को दबा करके और वो मुस्कुरा रहा है, जैसे कि लग रहा है जान। हम लोग वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर इंक्रीज करने के लिए, आतंकवादी हम लोग हैं। अरे हम लोग कितना मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाएंगे आंदोलन में? आप लोग एक बार में समझ जाना चाहिए, हम लोग पिछले बार भी आंदोलन में भाग लिए, आंदोलन के तो एक बार में आपको मांग पूरा करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, हम लोग को मार दीजिएगा? अरे मारना है तो मार दीजिए, गोली खाने के लिए भी हम लोग तैयार है, हम लोग तैयार है ना जी, मरेगा डायरेक्ट। अरे बच्चा वहां तो आकर के सीधे कह रहा है कि मारिए मारिए, तैयार है, लेकिन उस तरीके से मत मारिए, गद्दारी से मत मारिए हमें। हमें एक तो वैकेंसी नहीं दे रहे, हम पढ़ लिख के नौकरी ले लेंगे, वैकेंसी तो दीजिए हम लोग। अब 2 करोड़ का वादा किए थे, 2 करोड़ हम मांग रहे हैं जी। अरे 3 लाख पोस्ट खाली है, 3 लाख पोस्ट दीजिए आप, 1.5 लाख दे दीजिए, हम लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन आप, आपको इस तरह से हम आपको बता दे कि ये सरासर अन्याय हो रहा है। और पूरे भारत में शोक मनना चाहिए, भारत में 1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, 1 करोड़ घरों में क्या होना चाहिए, शोक होना चाहिए, क्योंकि वो हम लाठिया हम पर पड़ा है वो लाठी। और एक मैं बता दूं, आप यहां से वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको छात्रों की मांग के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप देखिए, दबाने का अधिकार आपको कौन दिया? बोलिए बोलिए, दुनिया का सामने आप बोलिए। देखिए सर पर आरोप लगा रहे हैं सर, गला नहीं दबाइए सर छात्रों का, गला नहीं दबाइए सर छात्रों का, बिल्कुल गला नहीं दबाइए, गला मत दबाइए, सीधा मार दोस्तों आपने यह वीडियो देख लिया कि किस प्रकार ने पुलिस कानून का उल्लंघन की है और हद पार की है। और लाठी चार्ज करना कहां तक सही है? हम लोग क्या लाठी पर पुलिस पर क्या पत्थर मारे थे? नहीं मारे थे, एकदम हम लोग सही तरीके से, हम लोग को रास्ता तक रोका गया। तो दोस्तों ये पुलिस की तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। अब हम लोग तो जान ही मार दो वही सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हम लोग सब मारे जाएंगे, मजदूर बनाए जाएंगे, वैकेंसी नहीं होगा तो मजदूर ही ना बनेंगे। तो अब जैसे कि अब रवीश कुमार से छात्र लोग का ये मांग है कि रवीश कुमार इस पर वीडियो बनाएं, क्योंकि रवीश कुमार को बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर कुछ कहें, क्योंकि आशा भरी निगाहों से हम लोग देख रहे हैं। क्या बनना चाहिए ना वीडियो? हाँ, छात्रों की आवाज बना, रवीश कुमार वीडियो बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना जी। फिर मनीष कश्यप हमारे लिए काम करते हैं तो वो भी इस पर आए, क्योंकि हमारे मुद्दा को कौन उठाएंगे, हमारी इस हम लोग पिसा रहे हैं, हम लोग मारे जा रहे हैं। तो रवीश कुमार से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस पर वीडियो बनाएं, क्योंकि रवीश कुमार पर हम लोग को बहुत भरोसा है और सब हम लोग, आप लोग आपका वीडियो बहुत देखते हैं, बच्चा बहुत आपका देखता है और हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं। तो आप
हर बात को उठाते हैं, इस बात को भी उठाइए और आप पर बहुत भरोसा है। और मनीष कश्यप जी आप कहाँ सोए हुए हैं, आप भी जागिए। और लोग भी छात्र लोग गुजारिश कर रहे हैं कि जो हम लोगों को सहयोग कर सकते हैं और भी ऐसे ऐसे चैनल जो हैं वो भी इस पर वीडियो बना करके अपनी बातों को रखे, हाँ पब्लिक के बीच रखे, ताकि लोग और भी जाने क्या हाल है, क्या एकदम तमाशा बना रखा है दोस्तों। तो दोस्तों आइए मैं आपको मिलवाता हूँ एक छात्र से, कुछ छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनका दर्द इन छात्र ही द्वारा सुनिए, छात्र ही बताएंगे क्या हाल है। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वेद प्रकाश हुआ। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी दिए हैं ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन, ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन, इससे क्या होगा बताइए। ये जो मोदी सरकार है जब से आई है 6 साल पे एक बार वैकेंसी दे रही है, उस वैकेंसी में भी देती है कितना 500, 600, 5600, इतना में क्या होगा? बहुत कम वैकेंसी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आप भी कुछ कह लीजिए सरकार, ताकि आपकी बात सुन सके और लोग। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग सत्य और अहिंसा का पालन करने हैं। जिस दिन हम लोग भगत को मानने लगे उस दिन रोड पर नहीं उतरेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बातों को अच्छे से मान लिया जाए। जिस दिन छात्र का पावर जिंदा हो जाएगा उस दिन मोदी कोई नहीं चलेगा, छात्र आएगा और वही सत्ता पर बैठेगा और देश को चला के दिखाएगा कैसे देश को चलाया जाता है। इसलिए छात्र को पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज कुछ छात्र थे जिनमें कुछ लड़कियां भी आई थी, ये बहुत गर्व और खुशी की बात हो रही है कि उस आंदोलन में बाद में लड़कियां आई, तो कुछ लड़के लोग जो पीछे भाग रहे थे डर से, उनको हौसला बुलंद करने के लिए लड़कियां भी आई। आपको मैं बता दूं तो उस लड़कियां जो हम लोगों को साथ दी है और जो हम लोग पुलिस लाठीचार्ज की है, क्या वो सही है? लाठीचार्ज करना चाहिए और लोगों को भगाने के लिए मारने के लिए जैसे लग रहा है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लाठी चार्ज करना सही है ये बताइए। जैसे आपने शुरू में बोला कि गलत इसका जो है तानाशाही है, तानाशाही को ऐसे हम लोग शांतिपूर्ण से कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, मार रहे थे, लेकिन ये जो लाठी चार्ज ये चार्ज ये सब गलत चीज है। अगर हम लोग उग्र हुए तो फिर समझ जाइए क्या होगा, समझ जाइए क्या होगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं देख सकते हैं छात्रों को कितना बड़ा गुस्सा है और सरकार को समझना चाहिए छात्रों का दर्द क्या है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपको थकना नहीं, आपको रुकना नहीं है और आंदोलन में हम लोग भाग लेते रहेंगे दोस्त और हम लोग जीतेंगे, वैकेंसी इंक्रीज होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। जय हिंद। आपको विश्वास रखना होगा कि छात्र की शक्ति सबसे ज्यादा होती है और जब तक छात्र इस दुनिया में रहेगा किसी भी सत्ता को हिलाने की पावर साथ रखता है, इसलिए छात्र में अपने आप को विश्वास रखना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा।